तो जुनियर क्लार्क की परीक्षा पेपर लीक नो मामलो छे। 16 आरोपी ने वडोदरा नी कोर्ट में रजू कराया छे। गुजरात एटीएस आरोपी रिमांड मांग छे। पेपर लीक करवा कोनी शुभ भूमिका छे, केटला लोगों ने पेपर आपवानो हतुं ते दिशामां तपास माटे जे आरोपी जे छे एमना रिमांड नी मांगणी कराशे। 14 दिवस रिमांड नी मांगणी हाल में करवामां आवी रही छे। 16 आरोपी ने वडोदरा नी कोर्ट में रजू कराया छे। जुनियर क्लार्क नी जे परीक्षा ना पेपर लीक नो जे मामलो छे, गुजरात एटीएस आरोपीओ ने वडोदरा कोर्ट में लई गई है और हवे रिमांड की मांग कराशे। कारण के आ नेटवर्क ने तोड़वानुं छे, कारण के जे रीते बहार अने गुजरात में जे लोग पकड़ाया है 16 आरोपीओ है कोर्ट में रजू कराया है। जुनियर क्लार्कनु पेपर फूटवाना मामले आता जे आरोपी छे ते तमामने एटीएस अत्यारे हालमा वडोदरा कोर्ट पहोंची छे। जे प्रकारे वात करवामां आवे तो एटीएसे जे 16 आरोपीओने अटकायत करवामां आवी हती ते तमाम आरोपीने लईने हाल कोर्टमां रजू करवा माटे पहोंची छे। जे प्रकारे वात करीए तो पेपर लीक मामले आ तमाम जे लोको जे छे तेओनी कई रीतनी भूमिका हती, तेओनी कई रीतनी पेपर आ लोकोए मंगावामां आव्या हता तेनी पूरी जे कार्यवाही छे ते हालमां करवामां आवशे। हाल तो एटीएसनी टीम जे छे ते जे मुख्य सूत्रधार करीए तो प्रदीप नायक जे ओडिशानो छे, जेने 70,000 में जे पेपर छे ते मुरारी पासवान ने आप्युं हतुं। हाल में जे भास्कर चौधरी छे तेओ पासे आ पेपर लईने पहोंच्या हता। त्यारबाद भास्कर चौधरीए केतन बारोट जे अमदावादना क्लासिक संचालक छे तेनो संपर्क साध्यो हतो। तमामने लईने जो वात करवामां आवे तो हालमां आजे जे तमाम जे आरोपीओ छे तेओने लईने एटीएस जे छे ते वडोदरा कोर्ट पहोंची छे। हालमां तो आ तमाम आरोपीओने कोर्टमां रजू करवामां आवशे। जे प्रकारे वात करीए तो तमामने जे रिमांडनी मांग छे ते एटीएस द्वारा करवामां आवशे। कही शकाय के हालमां तो आरोपीओने जे वात करीए तो तमाम जे अत्यारे हालमां वडोदरा कोर्ट पहोंची छे। एटीएसनी टीम छे जे तमाम आरोपीओने चुस्त बंदोबस्त साथे जे अत्यारे हालमां पहोंची रही छे। जे प्रकारे वात करीए तो तमाम जे आरोपीओने जे छे ते हालमां जे एटीएसे पहोंची छे ने जे तेमने रिमांडनी मांग छे ते करવામાં આવશે। હાલ તો જે મુખ્ય જે સૂત્રધાર છે તેઓને લઈને અત્યારે ભાસ્કર ચૌધરી જે છે તેને પણ લઈને અત્યારે એટીએસની ટીમ છે તે વડોદરા કોર્ટે પહોંચી છે અને જે તેમની રિમાન્ડની માંગ છે, જે આગળની કાર્યવાહી છે જે તપાસની તેની માંગ છે તે રજૂ કરવામાં આવશે। કેમેરામેન મુકુંદ દવે સાથે જયંતિ સોલંકી, જે મીડિયા, વડોદરા।